हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में बात करेंगे DSSB फायर ऑपरेटर के रिजल्ट के बारे में। आपका ड्राइविंग टेस्ट हो चुका है अगस्त में और जुलाई से स्टार्ट हो गए थे, तो अब आपके ड्राइविंग टेस्ट का रिजल्ट आएगा और जो रिटन का रिजल्ट है वो पहले आ चुका है। तो इस रिजल्ट में यही लगा के चलो कि ये आपका फाइनल रिजल्ट होगा। जिसने रिटन क्लियर कर लिया है, ड्राइविंग टेस्ट में क्लियर हो गया है, तो उसके बाद आपका ईडोजियर लिंक डाला जाएगा और फिर ईडोजियर लिंक में आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट वही अपलोड करने हैं जो आपने रजिस्ट्रेशन टाइम पे अपलोड किए थे। कोई भी एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं होगा। आपकी जो पब्लिश डेट थी फॉर्म की, उस डेट को रिकमेंड करते हुए जो DSSB ने रिकमेंडेशन डेट डाली हुई थी, उसी डेट से पहले का आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, हैवी लाइसेंस, और सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं 10th के, प्लस 2 के, जो भी आपका डॉक्यूमेंट्स हैं वो सेम एज इट एज रहेगा जब आपने फॉर्म फिल किया था उस टाइम का। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट कि व्हाट विल कम रिजल्ट, कब आएगा। तो ज़्यादा इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है। अगले हफ्ते आपको मंडे को आपका रिजल्ट, जहाँ तक चांसेस हैं 95% आपको अपना रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। मंडे तक का वेट करिए एंड हैप्पी जन्माष्टमी टू ऑल ऑफ यू गाइस। बस 2 दिन और वेट करना है, उसके बाद आपका रिजल्ट आ जाएगा। वेरी वेरी ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू जिसका रिटर्न हो चुका है, ड्राइविंग टेस्ट भी अच्छा खासा गया है। तो डोंट वरी, ईडोजियर लिंक अपलोड करने के बाद फिर आपका आएगा फाइनल रिजल्ट और उसमें कट ऑफ 3 से 4 नंबर जनरल के लगा के चले तो इतना अप डाउन रहता है। डाउन तो नहीं जाएगी, अप ही जाएगी। तो वो होता है फाइनल रिजल्ट और अब आएगा आपका ड्राइविंग का रिजल्ट और रिटर्न में आपका हो चुका है। तो ये अपडेट थी फायर ऑपरेटर वालों के लिए। ऑन मंडे नेक्स्ट वीक योर रिजल्ट विल बी कम। एक्सपेक्टेशन और मतलब जहाँ तक उम्मीद लगा सकते हैं, ये आपका 95% रिजल्ट आपका उसी दिन आने वाला है। सो वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल इफ़ यू आर न्यू व्यूअर एंड यू वांट टू गेट मोर एंड मोर अपडेट रिगार्डिंग द रिक्रूटमेंट, यू कैन सब्सक्राइब दिस चैनल। एंड गाइज प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियो ऑल्सो। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।